हेलो स्पीरेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर में जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर रेगुलर बेसिस पे करंट के जो भी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी, वो सभी टॉपिक वाइज स्टूडेंट्स करें ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारा वीकली शेड्यूल यहाँ आप देख सकते हैं कि हम किस दिन किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मंडे को हम आपको गवर्नमेंट स्कीम इंटरनेशनल न्यूज रैंकिंग रिपोर्ट एमओयूज एंड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड एम आपको प्रोवाइड करते हैं इसी तरह इन फाइव डेज में हम आपको पूरे वीक के जो है वो कवर करवाते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कौन सा टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट आप है या कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट नहीं है यदि ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके लिए रेलिवेंट है और हम कवर नहीं करवा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एक बार इसको जरूर चेक करिएगा चलते हैं आगे वीडियो की तरफ आज करंट स क्वेश्चन में हम आपको 14 से लेकर 19 अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर करवाएंगे तो सबसे पहले इंटरनेशनल इंक्रीज इन द बायोलैक्ट्रिकल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अंगोला ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन दो हजार इक्कीस की तुलना में दो हजार बाईस से 23 के दौरान भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि हुई ऑप्शन है 1.08 बिलियन डॉलर्स, 3.08 बिलियन डॉलर्स, 2.08 बिलियन डॉलर्स या 4.08 बिलियन डॉलर्स। तो 2020 से 2021 की तुलना में 2022 और 2023 के दौरान भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 3.08, 3.08 बिलियन डॉलर्स की वृद्धि हुई है ऑप्शन बी 3.08 बिलियन डॉलर्स इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ अंगोला अंगोला की मुद्रा का नाम क्या है ऑप्शन डॉलर पेसो क्वांजा या यूरो तो अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वांजा ऑप्शन सी क्वांजा इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन्फोसिस है वन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर्स डील

लाइब्रेरी ग्लोबल नाम की जो टेलीकॉम कंपनी है उसके साथ 1.6 बिलियन डॉलर का सौदा हासिल किया है ऑप्शन सी लाइब्रेरी ग्लोबल लिबर्टी ग्लोबल सॉरी लाइब्रेरी ग्लोबल नहीं है लिबर्टी ग्लोबल इज द आंसर ऑप्शन सी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इन्फोसिस इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है ऑप्शन सा बेंगलुरु मुंबई पुणे या इंदौर तो इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है ऑप्शन ए बेंगलुरु इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द पर्पस ऑफ द दलवार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यू इन दुबई दुबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित जायद तलवार 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य क्या था ऑप्शन है टू शोकेस एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो आयोजित जायद तलवार दो हजार तेईस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास था उसका उद्देश्य था टू इनहेंस इंटे इंटरपेरेबिलिटी एंड जी बिटवीन इंडिया एंड यू आई नेवी इंडियन नेवी एंड यू नेवी ऑप्शन सी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर है, वट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है ऑप्शन है काबुल अबुधाबी, ढाका या तेहरन तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबुधाबी ऑप्शन बी आबुधाबी इज द आंसर थ है इंडिया मेड द फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट इन लोकल करेंसी टू विच कंट्री भारत ने किस देश को स्थानीय मुद्रा के कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेलों का पहला भुगतान किया है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ईरान यूएई या इराक तो भारत ने हाल ही में यूए को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल

गोवा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए ऑप्शंस है, है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस या गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी ने साक्ष्य आधारित नीति तैयार करने के उद्देश्य से ज्ञान साझेदारी के लिए गोवा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए ऑप्शन सी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आई एस बी इज द आंसर ना क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा गोवा का गवर्नर कौन है ऑप्शन से कलराज मिश्रा गुलाब कटारिया पी एस श्रीधरन पिल्लई या शिव प्रताप शुक्ला तो अभी गोवा के गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई ऑप्शन सी पी एस श्रीधरन पिल्लई इज द आंसर क्वेश्चन नंबर टेंथ है

इंडिया एंड इंग्लैंड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या इंडिया एंड न्यूजीलैंड तो हाल ही में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने खेल विज्ञान प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में ज्ञान और विशेषज्ञ विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनियम कार्यक्रमों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर क्वेश्चन नंबर हैज हैल्पनीड विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू प्रमोट दोर देन सिक्स हंड्रेड ऑफ बिट डेस्टिनेशन इन इंडिया किस ट्रेवल कंपनी ने भारत में 600 से अधिक ऑफ बिट गंतव्यों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है ऑप्शन है ट्रेवल गुरु एसओटीसी ट्रैवल ट्रेवल लिमिटेड मैकमाई ट्रिप यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड तो हाल ही में मैकमाई ट्रिप ने ऑप्शन सी ट्रिप कंपनी ने भारत में 600 से अधिक ऑफ बिट गों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए एक पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है ऑप्शन सी मैकमाई ट्रिप इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओ यू विद यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन फॉर सेटिंग अप ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्राज इन गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर राजस्थान एस पार्ट ऑफ इट्स कोऑपरेटिव सोशल इनिशिएटिव सीएसआर इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी कोऑपरेटिव सामाजिक पहल सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए ऑप्शंस हैं Limited, NHPC, Council, ने नेशनल हाइड्रो पावर कंजप्शन लिमिटेड एनएचपीसी नीति आयोग नेशनल सेफ्टी काउंसिल या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो हाल ही में नेशनल हाइड्रो पावर कंजप्शन लिमिटेड एनएचपीसी ने अपनी कॉपोरेट सामाजिक पहल सीएसआर पहल के हिस्से से के रूप में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन लिमिटेड एन एचपीसी वॉज द पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओ यू साइंड बिटवीन इंडिया ट्रिनीडेड एंड टोबेगो भारत और त्रिनीदान और टोबेगो के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या था ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ इंडियन स्टॉक अ कलेक्शन ऑफ ओपन एपीआईज एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स कॉलेब्रेशन ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज या ऑफ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम तो भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर का उद्देश्य था शेयरिंग ऑफ इंडियन स्टैक, अ कलेक्शन ऑफ ओपन एपीआई एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स ऑप्शन ए इज द आंसर क्वेश्चन है। With which country did Indian government sign the memorandum of understanding यू in the field of medical product regulations? चिकित्सा उत्पाद विनियमन विन्यम, के क्षेत्र में भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए ऑप्शन सूर्य रशिया यूएसए या चाइना तो चिकित्सा उत्पाद विनियम के क्षेत्र में भारत सरकार ने सूर्य देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ऑप्शन है सूर्य नेम इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ है 15 अब रैंकिंग एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर है एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ जल जीवन मिशन जे आई एम अकॉर्डिंग टू द आई आई एम बैंगलोर रिपोर्ट आई आई एम बैंगलोर की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन जे आई एम के निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न अनुमानित कुल प्रत्यक्ष रोजगार क्या है ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन थ्री लैखेंट अबाउट इलेवन पॉइंट एटी फोर लैख परसेंट अराउंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट लैख परसेंट या रफली टू पॉइंट ट्वेंटी टू करोड़ परसेंट तो आईएन बेंगलुरु की रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न अनुमानित कुल प्रत्यक्ष रोजगार है एप्रोक्सीमेटली 59.93 लाख पर्संस ऑप्शन ए 59.93 लाख पर्संस एप्रोक्सीमेटली जो है रोजगार मिलेगा 53 59, 59.93 लाख लोगों को ऑप्शन ए इज द आंसर क्वेश्चन 6 सो क्वेश्चन नंबर 16th है वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन लॉन्च ऑन फिफ्टीन अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन पंद्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है ऑप्शन है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड टू सप्लाई क्लीन टैप वाटर टू अर्बन एरियाज टू ऑफर फ्री हेल्थ केयर टू एवरी सिटीजन एंड टू प्रोवाइड पोर्टेबल टैप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया जल जीवन मिशन का उद्देश्य है टू प्रोवाइड पोर्टेबल टैप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड बाई ट्वेंटी नंबर फोर ऑप्शन डी क्वेश्चन ट्वेल्थ रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज परफॉर्मेंस ऑन जीपी सीपी जी आर ए एम एस विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेक्वेड द टॉप रैंक इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी सीपी जी आर ए एम एस पर राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की बारहवीं रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित शासित प्रदेश ने उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल की ये तो शीर्ष स्थान हासिल किया ऑप्शन से आसाम मणिपुर सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश तो सीपीजीआर एएमएस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन की बारहवीं रिपोर्ट में आसाम राज्य ने उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल की है ऑप्शन सॉरी आसाम नहीं सॉरी सिक्किम ऑप्शन सी सिक्किम इज द आंसर हाल ही में जो सीपी पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की बारहवीं रिपोर्ट आई है उसमें सिक्किम राज्य ने जो है वो शीर्ष उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है ऑप्शन सी सिक्किम इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थ है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट विच स्टेट रैंक सेकेंड आफ्टर महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ राजकोशी स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार राजकोषी स्वास्थ्य के मामले में महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़ तेलंगाना उड़ीसा या बंगाल तो रोज राजकोषी स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार राजकोषी स्वास्थ्य के मामले में महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा स्टेट है वह है छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इज द आंसर अब गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स विल बेनिफिट फ्रॉम द विश्वकर्मा योजना लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना की किस श्रेणी को किस श्रेणी के व्यक्तियों को लाभ मिल होगा ऑप्शन है आर्टिशंस को फार्मर्स को डॉक्टर्स को या वर्कर्स को तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना से को लाभ हुआ ऑप्शन ए इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवर्मेंट है स्टेट गवर्नमेंट हैज द द अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है ऑप्शन से महाराष्ट्र हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है ऑप्शन सी राजस्थान इज द आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी हाउ मच मनी हैज़ द गवर्नमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी 2023 अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तहत मार्च 2023 तक सरकार ने कितना पैसा दिया है ऑप्शन से चौदह सौ करोड़ तीन हजार करोड़ पांच हजार करोड़ या उन्तीस सौ करोड़ तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तहत मार्च 2023 तक सरकार ने उन्तीस सौ करोड़ रुपए दिया है ऑप्शन डी उन्तीस सौ करोड़ इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द भगवान बिरसा मुंडा जोधर रास्ते स्कीम किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा मुंडा जोड़ा रास्ते योजना शुरू की है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने या गुजरात सरकार ने तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोडा रास्ते योजना शुरू की है महाराष्ट्र इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की दो दिवसीय गुजरात यात्रा का उद्देश्य क्या था जहां उन्होंने गुजरात सरकार के सहयोग से गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक बावन करोड़ रुपए के संस्करण विकास कार्यों का उद्घाटन किया ऑप्शन है टू इनिशिएट द रिवोकेशन ऑफ रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू बिल्डिंग एट द सेट एनंत पटेल पब्लिक कॉलेज टू वाइडन अ फोर लेन रोड फ्रॉम रंधेजा टू बलवा इन गांधीनगर ऑल या ऑल द अबो तो बारह और तेरह अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की दो दिवसीय गुजरात यात्रा का उद्देश्य ये सभी थे मतलब ऑल एफ दबो ऑप्शन डी इज द आंसर मतलब ये सभी उद्देश्य थे उनकी यात्रा के क्वेश्चन नंबर थर्टी है हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात गुजरात के गवर्नर कौन है गुलाब चंद्र कटारिया आचार्य देवव्रत शिव प्रताप शुक्ला या आर एन रावी तो अभी जो गुजरात के गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है व्हाट इवेंट took प्लेस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेकेंड विजिट टू वेस्ट बंगाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल की दूसरी यात्रा के दौरान क्या कार्यक्रम हुआ था ऑप्शन है इनाइग्रेशन ऑफ माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन लॉन्च ऑफ इंडियन नेवलशिप एंड आई एन एस विद्यागिरी ऑनली ए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल की दूसरी यात्रा के दौरान जो कार्यक्रम हुआ था वो ये फर्स्ट और सेकेंड मतलब इनाइग्रेशन हुआ था माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन का और इंडियन नेवलशिप आई एन एस विद्यागिरी लॉन्च की गई थी तो बॉद ए एंड बी इज द आंसर तो आज के ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कवर करा दिए हैं तो आज के अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते, लेते रहिए यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगे रहिए मेहनत करते रहिए और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन के साथ